दिस इज मी समरा रजा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कर रहे हैं जी हम अपने हॉल की सफाई, और ये हमारा झूला भी उतर चुका है और सामने सूटकेस वगैरह की भी कर रहे हैं सफाई। यहाँ से दो सोफे भी हट गए हैं, अब ये भी हट जाएगा। तो ये चल रही है, चल रहा है हमारा काम, झूला हट चुका है, सारी चीज़ें सिमट रही हैं। ये चल रहा है हमारे घर का झाड़ू पोछा हो रहा है, अभी अच्छा खासा सिमट चुका है हमारा हॉल, और अब बस हो रहा है झाड़ू पोछा। तो आप लोग सोच रहे होंगे हमारे घर में आज ऐसा क्या है, जितनी सफाइयाँ हो रही हैं। तो आज हमारे घर में रात में कवाली नाइट है जेंट्स की, तो सब आदमी होंगे वैसे तो, पर अभी हमारा काम चला है बहुत सारा और सफाई ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, लेकिन रूम फैला हुआ है। जैनब के सारे टॉयलेट ऐसे ही फैले हुए हैं, जैनब को फैलाने के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। तो रूम फैला हुआ है, जैनब अभी नीचे सो रही दादी के पास, और काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और बस अभी मासी काम कर रही है और अच्छा खासा काम हो चुका है। दिखाती हूँ हम लोगों को हॉल। जैनब के बाबा वहाँ बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और अच्छा खासा हमारा बस ये थोड़ा सा रह गया है जो भी सिमट जाएगा, ये समेटना है सिर्फ। सफाई वगैरह हो चुकी है और यहाँ मैं किचन में बना रही हूँ, जैनब के लिए नूडल्स बना रही हूँ मैं कि जैनब खा लेगी अभी उठकर। तो बन गए जैनब के लिए नूडल्स, जैनब काफ़ी देर से सो रही है, अब उठेगी तो उसको भूख लग रही होगी, तो जब बन जाएगी कैसे नूडल्स जैनब को खिला देंगे, मैं आपको खा लेंगी नूडल्स। और अभी बस वॉशरूम धुल रहा है ये वाला, ये रूम फैला हुआ है थोड़ा सा, ये भी सिमट जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। जैनब, तो जैनब ऊपर आ चुकी हैं। जैनब जैनब देखिए मेरे इतने सारे टॉयस फैले हुए हैं, मैं जल्दी से कूद जाऊँ टॉयस पर। जैनब अपनी फीडर साथ लेकर आई है, फीडर पकड़ी हुई है, और मज़ा आया आपको सोने में, बहुत देर सोई है ना पीछे। तो जैनब अभी ऊपर, अभी करेंगे तबाही, तो थोड़ी देर में अभी पेट भरा हुआ होगा, थोड़ी देर में हम खिलाएंगे नूडल्स, फिर हम करेंगे बाकी के काम। जैनब, तो जैनब के बाबा ने अपना ये सूट निकाला है रात के लिए, इसको कर देते हैं जल्दी से इस्त्री, आज रात का वाली नाइट में जैनब के बाबा पहनेंगे ये। और जैनब यहाँ पे खेल लिए, और अभी अभी हमारा एक पार्सल रिसीव हुआ है, तो इस पार्सल में जैनब के बाबा ने मंगवाई थी जैनब के लिए बेल्ट, कि ये बेबी सेफ्टी बेल्ट है, तो ये अब जैनब को पहना के देखेंगे जैनब इसमें कंफर्टेबल चल पा रही है नहीं चल रही, तो जैनब के लिए हमने ये मंगवाई है, दिखाएंगे आप लोगों को ज़रूर ये कैसी लग रही है अंदर से खुलने के बाद, जैनब इसमें कैसे होती है आती है, कैसे चलती है जैनब इसके साथ, दिखाएंगे आप लोगों को। और यहाँ मैं जैनब को खिला रही हूँ नूडल्स। जैनब आप नूडल्स कैसे खाती हैं? ए जी गुड़िया, ओ एक तो गिल गई, एक तो इधर गिर गई, ऊपर करो ऊपर ऊपर तो करो, ये ऐसे नूडल्स खाती हैं आप? ऐसे खाती हैं ऐसे कैसे? जैनब तो नूडल्स खाती हैं भैया, ऐसे करके ऐसे चाबाल ऐसे, और यमी यमी। किसने बनाई है ये? मम्मा ने बनाई है आपके लिए। ऐसे मज़े मज़े से हम इसको उठाते हैं और जैनब को खिला देती हैं, तो बहुत सारी आ रही है। आहा ये ना ए ची खाते हैं, यम 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 यम। तो दरियाँ बिछाने का काम चल रहा है, और ये हमारे मियाँ साहब दरी गंदी ले आए नहीं एक दरी साफ़ है, ये वाली ये गंदी है, उसमें एक साफ़ है एक गंदी है, तो बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है, वो जितना भी सब फैला हुआ था हमने सारा समेट दिया, अभी पूरा हॉल माशाल्लाह से खाली हो चुका है। अब बस अभी किचन का काम शुरू होगा, और बर्तन भी सारे निकाल के रख चुके हैं चक्की में, इसमें चावल भीगे में जर्दे के बनेगा जर्दा, बस यहाँ मैंने सारे बर्तन निकाल दिए हैं, अब बस जल्दी जल्दी हो रहा है काम। तो यहाँ मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ, और क्योंकि डस्ट का बहुत ज़्यादा काम था तो बहुत ज़्यादा डस्ट डस्ट हो रही थी, तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ, अब बस गर्मी भी लग रही है, मुझे बाल समेट देती हूँ, अब खोल देती हूँ पंखा, तो मैंने खोल दिया पंखा, एक
किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। और अब बस मैं अपने गीले गीले बाल समेट के चढ़ा देती हूँ जल्दी से ज़रदा, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। अंगीठी मैंने बाहर निकाल के रखी हुई है, इससे बनेगा ज़रदा। इस बड़े भगोने में चावल मैंने सुबह से भिगोए हुए हैं, सेला चावल। तो पहले समेट लेती हूँ अपने बाल और फिर मैं चढ़ा दूँगी ज़रदा, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कितना ज़रदा। और मैंने दोनों बॉल के चावल डाल दिए भगोने में, भगोना ये रहा, मैं चावल डाल दिए। बस मैं पानी भर देती हूँ जल्दी जल्दी। तो ये असली जर्दे का रंग जो मैं इसमें मिला देती हूँ जल्दी से, तो ये डाल देते हैं। अच्छा खासा डलेगा, अच्छी खासी तादाद में ज़रदा बन रहा है, तो ये भी ज़्यादा ही डलेगा। मिक्स करके देख लेते हैं, ये अभी भी कम है, इसमें मिला देते हैं और ज़्यादा कर रहे हैं। और जला देते हैं जल्दी से चूल्हा, बहुत ज़्यादा गैस खुल गई, शायद मैंने कम कर दो है, एकदम से बहुत ज़्यादा आग ना लग जाए। लाइट भी नहीं चल रहा है, शुक्र गैस कम कर दी थी, बहुत ही ज़्यादा आग लग गई है। ये तो कम गैस पे ये आलम है। तो मैं यहाँ पे किचन में बैठी हुई हूँ, जर्दे में उबाल का वेट कर रही हूँ। और आज सीन अभी अभी ये हुआ है कि ज़ैनब के पापा नहाने चले गए थे और मैं एक जर्दे का रंग जो आप लोगों को दिखाया था वो तो मैं डाल चुकी हूँ, और ये मैंने इसमें दूसरा डाला है जर्दे का रंग, वो छोटी शीशी थी तो पूरी डल गई, पता भी नहीं चला। उसके बाद ये बड़ी वाली भी मैंने इसमें पूरी डाल दी पर वो भी पता नहीं चली। ये देखें अभी भी इसका कलर लाइट है, जितना होना चाहिए उतना नहीं आया। तो ये भी मैंने पूरी डाल दी, अभी ख़त्म हो चुकी है। ज़ैनब के पापा नहाने चले गए थे और फिर मैंने उनसे जाकर बोला कपड़े पहन के वापस बाहर आ जाए, क्योंकि जर्दे का रंग जो दो शीशियाँ थी मैंने दोनों डाल दी हैं, पर ये अभी भी कम है, मुझे अर्जेंट चाहिए जर्दे का रंग। तो अब वो लेने गए हैं, अब जर्दे का रंग आएगा तो इसमें और डालूँगी, क्योंकि अभी भी कलर लाइट है और जब उबाल आ जाएगी तब भी लाइट ही होगा, तो फिर इसमें और डालना पड़ेगा। तो मज़े की बात तो ये है, आज मैं फ़र्स्ट टाइम इतना सारा जर्दा बना रही हूँ, मतलब थोड़ा सा तो बनाया है और शादी के बाद ही बनाया, शादी से बाद तो कभी मैंने कुछ वो भी नहीं बनाया जो शादी के बाद बनाया थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा बना रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि अच्छा बन जाए, बस अब बाद में पता चलेगा जब खाने बैठेंगे कैसा पका है। और आप लोग भी इंजॉय करिएगा वीडियो को, और जिसने अभी तक लाइक कमेंट शेयर नहीं करा है वो जल्दी से लाइक तो ऑलमोस्ट कर ही दें, सब्सक्राइब कर दें जिसने अभी तक नहीं करा। आप लोगों के लिए इतनी ऐसे मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, और क्या आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, और बस बनाते हैं जल्दी से ज़रदा। तो यहाँ ज़रदे का रंग हम आ चुका है और अभी मैंने इसमें डाल भी दिया है, और अब बस इसमें आने वाली है उबाल। तो यहाँ हो चुके हैं मेरे चावल फुल डन, लंबे लंबे भी हो चुके हैं और फुल डन भी हो गए हैं, जल्दी से इनका पानी फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल फंसा दिए हैं चार चार छन्नियों में, चार छन्नियों में हमारा ज़रदा माशाल्लाह से भगोना हो चुका है खाली, और मैंने पूरा किचन भी अच्छा खासा कर दिया गंदा, ये देखें आप लोग। तो ये काम हो गया, बस जल्दी से चीनी वगैरह डाल देते हैं, और यहाँ ज़रदा अब चीनी वाला पानी खुश्क हो जाएगा तो ज़रदा रख देंगे दम पर। ऑलमोस्ट ज़रदा डन है, गार्निशिंग हम एंड में करेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, और ये मैं सुबह सुबह ही कर रही हूँ, जनाब अभी सो रही, सुबह सुबह ये काम हो जाएगा। और यहाँ अच्छा खासा हो चुका है, आधे हो गए आधे रहते हैं, फाइनली इट्स डन, ये हो गया हमारे बादाम पिस्ते रेडी। और यहाँ पर मैंने ज़ैनब के भी कपड़े चेंज करके ज़ैनब को कर दिया रेडी, और ये तो एक नई चीज़ हो गई है, ये बलून तो ज़ैनब के कपड़ों से मैच हो रहा है, वाह यार। ज़ैनब बहुत मगन है चाय वाय बनाने में पीने में। ज़ैनब ये बलून आपके कपड़ों से मैच हो रहा है यार, बिल्कुल सेम प्रिंट और सेम डिज़ाइन हो रहा है, तो ज़ैनब के कपड़ों जैसा। ज़ैनब बहुत मसरूफ़ है ज़ैनब। तो यहाँ पर मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और ज़ैनब भी रेडी है, अभी हम जा रहे हैं बस नीचे। अच्छा 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 लाइट पंखा कर देते हैं बंद, और जी जा रहे हैं हम लोग नीचे, सब कुछ है रेडी यहाँ पर, सिर्फ मेहमानों के आने का देर है, टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ये वो ज़रदा है जो मैंने बनाया था रुखा फीका सा, और अब ये ऊपर जाने के लिए हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं,
इसमें डेट्स लगा रहे हैं जर्दे की, फिर खोए और बादाम पिस्ते के, हमारे बादाम पिस्ते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा कोई मेहनत लगी थी तो ये जाएगा ऊपर। और इसमें हमने डाल दिया दोबारा से जर्दा, और ये इसकी आखिरी लेयर। वहाँ डाल दिया इसमें बादाम पिस्ते, कवालियों की आवाज़ें भी आ रही हैं पीछे से। और यहाँ हमारा जर्दा बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो पड़ जाएगा। तो यहाँ पर अभी रात के तीन, अभी रात के तीन बज रहे हैं, तीन बज चुके हैं। बर्तन के घर पूरा समेट कर और कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर दिए। जैनब अभी अभी ऊपर आई है, देखें जैनब को, जैनब अपनी जिरे पूरी करिए। जैनब इधर आओ, जैनब सिर्फ जिदे कर रही हूँ, ऊपर आकर भी आधी रात हो रही है पर इनकी जिदे ख़त्म नहीं हो रही हैं। और अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, बहुत सारा ख्याल रखें। इनकी जिदों के चक्कर में आ गए इनके सारे खिलौने इधर, पर अभी भी इनको सुकून नहीं आ रहा होगा, चाह रही हूँ कि सब मैं फैला दूँ। तो ब्लॉग को करते हैं, अल्लाह हमसे पूछे कोई तौहीद के मानी साथी, हमसे पूछे कोई तौहीद के मानी साथी, हमसे पूछे कोई तौहीद के मानी साथी। हमने अहमद को अहद करके Yeah.